हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप है। आज के इस वीडियो में हम सिस्को सीसीएनए नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के पार्ट टू को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट वन को डिस्कस किया था और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझा था जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थे। तो आज के इस पार्ट में मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज टू एक्सेस राउटर। तो राउटर को हम किन किन तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं? तो जो सबसे पहला तरीका है वो टेलनेट RSSH। तो टेलनेट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम राउटर को कहीं बैठे बैठे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये जो डाटा ट्रांसफ़र करता था वो प्लेन टेक्स्ट में करता था, इसलिए इसको अब रिप्लेस कर रहा है SSH, जिसमें डाटा जो होता है हैश फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है ऑक्स के थ्रू भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं टेलीफोनिक। और थर्ड है कंसोल केबल। कंसोल राउटर के कंसोल पोर्ट में हम कंसोल केबल को इंसर्ट करके PC के सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करके हम राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, पर ये नियर टू राउटर होना चाहिए। तो हम इन तीन तरीकों से राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज IOS। तो IOS जो होता है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसे हम राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे PC का विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 होता है, ठीक उसी प्रकार से राउटर का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे IOS कहते हैं। व्हाट इज़ द AD वैल्यू ऑफ OSPF। तो AD मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। जैसे रिप का 120 है, IGRP का 100 है, ठीक उसी प्रकार से OSPF का 110 है। आपको सभी प्रोटोकॉल का AD वैल्यू पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BGP विच टाइप से प्रोटोकॉल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो BGP जो होती है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होती है। बॉर्डर मतलब आप समझ सकते हैं कॉर्नर का यूज़ हुआ है, तो मतलब ये एक्सटीरियर प्रोटोकॉल है। और जो इंटीरियर प्रोटोकॉल है वो रिप है, EIGRP है। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एक्सटीरियर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कॉन्फ़िगर टेलनेट ऑन राउटर। तो राउटर पे टेलनेट हम किन तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो थ्रू द लाइन VTY हम राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर करने में कोई प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एथरनेट। तो एथरनेट जो होता है चार टाइप का होता है, एथरनेट, फास्ट एथरनेट, गीगाबाइट एंड 10 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलिजियन। तो कोलिजियन जो होता है जब सिग्नल एक दूसरे के साथ आपस में टकराते हैं तो उसे हम कोलिजियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउटर। तो राउटर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर। आज के जो मार्केट में अवेलेबल राउटर है वो 99% मॉड्यूलर ही आते हैं आजकल। तो राउटर जो होता है दो टाइप्स के अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क्स राउटर डू। तो राउटर का जो काम होता है पाथ सिलेक्शन, कौन सा वे बेटर है, ये इसको फाइंड करना राउटर का काम होता है। पर इसके लिए ये प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। और नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग, पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम भी राउटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी यूज़ राउटर। तो राउटर का यूज़ हम क्यों कब करते हैं? तो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। जैसे मेरा एक नेटवर्क है और ये अदर नेटवर्क है, अगर इस नेटवर्क के पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इनके बीच कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे राउटर की ज़रूरत होगी, जिसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।